Hello everyone, welcome to my channel again, Math Booster. In this video, we are going to do question number 3 of exercise 2.3. Class 7th ka aapka chapter hai, naam hai fraction in decimal. So, jaisa ki naam se pata chal raha hai, fraction in decimal naam hai, to sara kaam kis pe hoga, aapke fractions ke upar. To is question mein aapko kya karna hai, is type ka question jo hai, hum 2.2 exercise mein bhi kar chuke hain. Karna kya hai aapko? Multiply the following fractions. Ye jo fractions aapko given hai, इसके इन सब फ्रैक्शंस को 7 पार्ट आपको गिवन है. इन फ्रैक्शंस में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अप्लाई करना है. तो फर्स्ट जो पार्ट है देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है आपका. 2/5 × 5 1/4. ओके ठीक है. अब ये क्या है आपकी सिंपल फ्रैक्शन, एंड दिस वन इज योर मिक्स फ्रैक्शन. जहां मिक्स फ्रैक्शन दिख जाए उसको क्या करना होता है, आपको सॉल्व करना होता है, चेंज करना होता है, कन्वर्ट करना होता है किसमें, सिंपल फ्रैक्शन के अंदर. ठीक है, तो 2/5 एज इट इज. जब आप ये जो आपकी मिक्स फ्रैक्शन है इसको चीज सॉल्व करोगे, चेंज करोगे सिंपल में, 5 4 20, 20 में न्यूमेरेटर ऐड, दैट इज 21/4. ओके, नाउ अब क्या करना है, न्यूमेरेटर को न्यूमेरेटर से, दैट विल गिव यू 42. सिमिलरली डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 5 4 20. ठीक है, दिस इज योर आंसर. मल्टीप्लाई करके लिखना था. अब आपके कई बार क्वेश्चंस के जो आंसर है एनसीईआरटी बुक्स में, वो क्या मिक्स फ्रैक्शन के अंदर गिवन होगी. अब ये जो वैल्यू आई है ये क्या है, आपके मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू आई है. कई बार जो आपका आंसर गिवन होता है वो इस टाइप के फॉर्म के अंदर गिवन होता है, 22 × 40 एंड दिस इज 1. ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 20 एज इट इज. रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 2, तो उसको क्या लिख दिया यहाँ पे, बिल्कुल लास्ट में डाउन में रिमाइंडर आता है तो उसको कहाँ लिखेंगे, सबसे आप. और जो आपका ये है आंसर आया है, दैट यू हैव टू राइट हियर. ठीक है, दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट फर्स्ट. ठीक है, चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, मल्टीप्लाई हो चुका है. और अगर आपको आंसर मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैंने वो भी आपको बता दिया. ठीक है, अब हमारे सेकंड पार्ट के ऊपर हम करेंगे. सब पार्ट सिमिलर है आपके. सेकंड पार्ट जो है आपका 6/2/5 7/9. ठीक है, दिस वन इज इन मिक्स फ्रैक्शन एंड दिस इज सिंपल फ्रैक्शन. तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे, 6 × 5 = 30. 30 + 2 न्यूमरेटर ऐड किया है, 32/5. ओके, 7/9. ओके, नाउ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 32 × 7 दैट विल गिव यू 224. ठीक है, 9 × 5 = 45. दिस इज योर आंसर ऑफ सेकंड पार्ट. चाहो तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी चेंज कर सकते हो. अब थर्ड पार्ट के ऊपर मूव करेंगे हम. थर्ड पार्ट इज 3/2 × 5 1/3. 3/2 अगेन एज इट इज आपका, और 5 1/3, दिस इज मिक्स फ्रैक्शन, यू हैव टू चेंज इट दिस फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन. तो 5 3 = 15 + 1 दैट इज 16/3. ओके, सिमिलरली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, 48 एंड दिस वन इज 6. ठीक है, अब ये कट भी सकता है, 6 × 6 नहीं कर सकते, 6 × 6 = 48. ठीक है, ओके. अब ये आपका है 8, सिंपल 8 आपका आंसर आ चुका है. ओके, नाउ फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं हम. हमने आपको 5 पार्ट्स करा दे क्यों, बाकी आप खुद ट्राई करना. फोर्थ पार्ट जो है आपका 5/6 × 2/3/7. 5/6 अगेन एज इट इज, और जब इसको कन्वर्ट करेंगे 7 × 14 14 + 3 दैट विल गिव यू 17 17/7. ओके, अब जब इसको 17 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल गिव यू 85, एंड जब 6 7 करोगे दिस विल गिव यू 42. दिस इज योर आंसर. इसको आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी चेंज कर सकते हो. फिफ्थ पार्ट में मूव करेंगे हम अपने.
by 5 into 4 upon 7. अब अगेन आपकी एक वैल्यू क्या है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, एक वैल्यू क्या है सिंपल फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन को ऑफ दिस में चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में. 5 3 15, 5 3 15, 15 plus 2 that is 17 upon 5 into 4 upon 7. ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 68 एंड 5 35. ओके, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 5. अब चाहो तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी चेंज कर सकते हो, आंसर उसमें भी कई बार गिवन होता है. तो जिस टाइप से आपको आंसर फाइंड आउट करना है उस टाइप से आप अपनी चेंजेस कर सकते हो. अगर आपको सिंपल फ्रैक्शन के अंदर आंसर है तो आप इसको यहीं पे छोड़ दो, और अगर आपका आंसर मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए वो डिवाइड वाला जो मैंने आपको बताया. ठीक है, तो फिफ्थ ये आपके 5 पार्ट्स थे, 6th और 7th को ट्राई करोगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन पाए. दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.3. मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.